अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे हमेशा की तरह। दोस्तों सबसे पहले आप सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपके भाई के 50K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने इस काबिल समझा कि मेरे 50,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। मुद्दे पर आते हैं, आज की वीडियो में मैं 60,000 के अंदर के 5 ऐसे बेस्ट मोबाइल बताऊंगा जो 60,000 के अंदर के सबसे अच्छे मोबाइल है। तो सबसे पहले मैं जिक्र करूंगा रेडमी श्वामी नोट 13 के बारे में। भाई ये पाकिस्तानी मार्केट में मिल जाता है 57,000 का, 6.67 इंच का एमोल्ड डिस्प्ले, 120 हर्ट्ज का, और फिंगरप्रिंट भी इन स्क्रीन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट है। बात करूं इसके बैक कैमरे के बारे में तो 108 मेगापिक्सल इसका बैक कैमरा है। बात करूं डिस्प्ले के बारे में तो भाई छोटी स्क्रीन है और इतने अच्छे कलर है डिस्प्ले के, अगर आप धूप पर भी जाएंगे तो इसके रिज़ल्ट आपको कोई मैसेज वगैरह आए तो आपको इसके डिस्प्ले में बआसानी नज़र आ जाएगा क्योंकि डिस्प्ले के कलर बहुत अच्छे हैं इसके। तो 5,000 की बैटरी यहाँ पर आपको देता है 33 वोल्ट के फास्ट चार्जर के साथ रेडमी श्वामी नोट 13, और प्रोसेसर भी इसका गेमिंग प्रोसेसर है डायमंड सिटी वाला एवी। तो मेरे हिसाब से 57 में सबसे बेस्ट मोबाइल जो आता है वो आता है रेडमी श्वामी नोट 13। बात करूँ सेकंड नंबर के बारे में भाई सैमसंग के एमोल्ड डिस्प्ले का कोई सानी नहीं है। बात करूँ सैमसंग गैलेक्सी A24 4G के बारे में तो भाई 6.5 इंच का सुपर एमोल्ड डिस्प्ले यहाँ पर देखने को मिलता है जो बहुत आला है। 50 मेगापिक्सल इसका बैक कैमरा है, तीनों लाइन से कैमरे आपको मिलेंगे। प्रोसेसर इसका अच्छा दिया हुआ G99 का इलियो, और यहाँ पर आपको बैटरी यहाँ पर देता है सैमसंग गैलेक्सी A24 5000 mAh बैटरी 25 वोल्ट के फास्ट चार्जर के साथ। ये आता है भाई 8GB रैम है, 128GB मेमोरी है, और ये पाकिस्तानी मार्केट में 59,000 में आपको बआसानी मिल जाएगा सैमसंग। 60,000 के अंदर का अगर मैं तीसरा मोबाइल बयान करूँ तो वो आता है टेक्नो का मोबाइल। टेक्नो के मोबाइल की बात करूँ तो वो आता है टेक्नो स्पार्ट 20 Pro Plus। इसकी खास बात यह है कि कर्व डिस्प्ले, एमोल्ड डिस्प्ले, अंडर स्क्रीन फिंगर है, 108 मेगापिक्सल का बैक कैमरा है, लाइटिंग अच्छी है डिस्प्ले की, 5000 mAh बैटरी है, 33 वोल्ट का फास्ट चार्जर है, G99 का यहाँ पे आपको प्रोसेसर मिलता है, 8GB रैम है, 256GB मेमोरी है, भाई हर चीज़ तकड़ी है। लेकिन मसला यह है कि यार इतना अच्छा मोबाइल का मार्केट में शॉर्ट है 59,000-60,000 का मिल रहा है। इसके ऑफिशियल प्राइस है 55,000 रुपये 52-53 का मिलना चाहिए, लेकिन ज़रा रुक जाए। लेकिन 60K के अंदर का ये टेक्नो का मोबाइल भी काफ़ी बेस्ट है, तो अगर लेना चाहे टेक्नो के 60K के अंदर तो ये बेस्ट मोबाइल है टेक्नो स्पार्ट 20 Pro Plus। तो 60K के अंदर चौथे नंबर के बेस्ट मोबाइल के बारे में बात करूँ तो वो आता है वीवो का Y36। Y36 पाकिस्तानी मार्केट में मिल जाएगा 54,000 में। दोस्तों अगर इसके फीचर के बारे में बात करूं तो भाई यहां पर आपको देखने को मिलेगा 6.6 इंच का IPS डिस्प्ले 90 हर्ट्ज का, बैक कैमरा इसका 50 मेगापिक्सल है, फ्रंट कैमरा इसका 13 मेगापिक्सल है, 8GB रैम है, 128GB मेमोरी है, 5000 mAh बैटरी है 44 वोल्ट के साथ, पंच होल डिस्प्ले है, खूबसूरत सिंपल डिज़ाइन है। लेकिन यार वीवो की खास बात यह है ना, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, एक आपको पायदारी बहुत मिलेगी, ठीक है, वीवो के मोबाइल बॉडी बहुत अच्छी होती है, इतना जल्दी डैमेज नहीं होता है। दूसरी अच्छी बात यह है कि इसके बैटरी के सेल बहुत अच्छे होते हैं, यानी कि अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए चाह रहे हो ना तो वीवो सबसे बेस्ट मोबाइल है। दोस्तों आखिरी में बात करूं नंबर 5 की तो वो आता है इन्फिनिक्स का Note 30 Pro। ठीक है, Note 30 Pro की खास बात ये है कि 6.67 इंच का एमोल्ड डिस्प्ले दिया हुआ है 120 हर्ट्ज का, 108 मेगापिक्सल इसका बैक कैमरा है, 32 मेगापिक्सल इसका फ्रंट कैमरा है, G99 का हैवी प्रोसेसर यहाँ पर दिया हुआ है, इस साइड माउंटेड फिंगर आता है, 5000 mAh बैटरी है, 68 वोल्ट के फास्ट चार्जर के साथ। चार्जर ऐसा है कि भाई ऐसे चार्ज करेगा ऐसे मिनटों में। 8GB इसकी रैम है, 256GB इसकी मेमोरी है। मेरे हिसाब से इन्फिनिक्स का अच्छा मोबाइल लेना है तो ये है Note 30 Pro, बेस्ट मोबाइल है 60K के अंदर अंदर पाकिस्तानी मार्केट में, आपको 59,000 में बआसानी मिल जाए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये 5 मोबाइल आपको पसंद आए होंगे। इसी तरह अच्छी वीडियो देखने के लिए अपने भाई के चैनल को लाइक मारे यार, सब्सक्राइब कर लिए। अगर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।